शर्मनाक मामला सामने आया है। मामला गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके का है, जहाँ एक युवक ने अपनी चचेरी बहन का रेप करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के विरोध करने पर उसको चाकू से हमला करके घायल कर दिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आरोपी युवक ने खुद थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। सर जितेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, विस्तार से बताएगा। देखिए मुरादनगर का ये मामला है, जहाँ पर चचेरी भाई ने कोशिश की थी अपनी बहन के साथ में बलात्कार जैसा कुकृत्य करने की, और इसमें जब वो असफल रहा तो उसने तेजधार हथियार से कई बार उसने वार किया। गंभीर अवस्था में उसे गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे काफी ज्यादा हालत उसकी खराब जानकर दिल्ली में रेफर किया गया है। फिलहाल उसका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल जो उठता है कि आखिर चचेरे भाई ने इस तरीके का क्यों करना चाहा। चचेरी बहन है जिसके साथ में उसने बलात्कार की कोशिश की, बच्ची घर में अकेली थी, उस वक्त वो घर में घुसा और बलात्कार की कोशिश की। बच्ची ने जब विरोध किया तो उसे तेजधार हथियार से उसकी गर्दन पर, हाथ पर और पीठ पर कई बार वार किया है। फिलहाल बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जी जी जितेंद्र, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्या उस वक्त आरोपी नशे की हालत में था या फिर उसके साथ कोई और भी शख्स मौजूद था? जी, इसमें एक चौंकाने वाला विषय ये है कि ये खुद शख्स सिहानी के थाने पहुंचा है और इसने अपना जुर्म कबूल किया है कि इसने खुद अपनी चचेरी बहन के साथ तो पहले बलात्कार की कोशिश की और विरोध करने पर इसने चाकू से कई बार वार किया। फिलहाल पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जिसके ऊपर इसने वार किया है, इनकी जो पीड़िता है वो खुद इसकी चचेरी बहन लगती है। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि रिश्तों में ऐसा क्या हुआ जो एक चाचा के बेटे ने अपनी ही बहन के ऊपर ऐसा रेप अटैम्प्ट करने की कोशिश की और उसके बाद तेजधार हथियार से उसका गला काट दिया। जी चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेहद ही शर्मनाक मामला गाजियाबाद से सामने आया, जहां पर एक शख्स ने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। धर्मनगरी हरिद्वार में एक हाथी ने बुजुर्ग दंपति की जान